स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट में आज हम लोग बड़े क्वेश्चन को पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में देखो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट पीएल एंड बैलेंस शीट बनाना है यहाँ एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में जितना भी आइटम है वो या तो ट्रेडिंग में या पीएल में या बैलेंस शीट में कहीं एक जगह जरूर जाएगा अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट इनकम है तो वो पीएल अकाउंट में जाएगा एसेट्स है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा लाइबिलिटीज है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा तो ध्यान से देखते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि आइटम फिक्स होता है सबसे पहले लिखते हैं ऊपर में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ श्री दामोदर प्रसाद फॉर द दर एंड्रेडी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर लिखेंगे तो यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ टेन थाउजेंड उसके बाद देखो परचेजेस दिया फिफ्टी एट थाउजेंड परचेज रिटर्न इसमें से माइनस करते हैं तो परचेज रिटर्न माइनस करने के लिए क्रेडिट साइड देखेंगे देखो ये क्रेडिट साइड में मिलेगा रिटर्न आउटवर्ड तो रिटर्न आउटवर्ड इसमें से माइनस करेंगे ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड तो ये आ जाएगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड अब क्रेडिट साइड में हम लोग को मिलेगा सेल्स तो सेल्स है देखो नाइन्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी इसमें सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे डेबिट साइड मिलेगा देखो ये रहा रिटर्न इनवर्ड थ्री फाइव टू जीरो तो ये माइनस करके आया नाइन्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी फिर हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ देखो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ हम लोग को लास्ट में ट्वेंटी टू थाउजेंड ये क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख देंगे अब ये छह आइटम लिख दिए उसके बाद हम लोग खोजेंगे यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये कैरेज कैरेज ऑन परचेज है ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और फिर देख रहे हम वेजेस है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो वेजेस है कैरेज ऑन परचेज है और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है तो ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कैरेज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट होता है ऑफिस सैलरी इनडायरेक्ट है रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट है कैश एसेट्स होता है बैंक बैलेंस भी एसेट्स होता है बैड डेट्स इनडायरेक्ट है डिस्काउंट अलाउड भी इनडायरेक्ट है लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है स्कूटर एसेट्स है स्कूटर रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिल रिसीवेबल एसेट्स है कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस सनडिडेटर एसेट्स है इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स को हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करते हैं ये कैसे करते हैं आपको बता देंगे तो यहाँ ध्यान से देखो डेबिट साइड जो होता है ना या तो एक्सपेंस होता है या एसेट्स होता है और क्रेडिट साइड जो होता है या तो इनकम होता है या लाइबिलिटी होता है तो जब एक्सपेंस खोजेंगे तो डेबिट साइड में खोजेंगे क्रेडिट साइड में कभी एक्सपेंस नहीं होता है तो यहाँ से दो ही था डायरेक्ट एक वेजेस था और एक कैरेज ऑन परचेज तो हम लोग यहाँ वेजेस और कैरेज ऑन परचेज लिख लिए अब हम लोग देखेंगे किधर ज्यादा है तो इस क्वेश्चन में इधर ज्यादा है क्रेडिट साइड तो क्रेडिट वाला जोड़ेंगे यही सेम इधर लिखेंगे और फिर माइनस करके जो आएगा इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डाउन तो देखो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आया फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी ये इधर हम लोग लिख देते हैं यहां से पीएल अकाउंट शुरू हो जाता है जीपी जहां निकाले यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट ये जीपी को इधर डाउन कर लिए तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन और यहां से हम लोग का शुरू हो गया पी एल अकाउंट अब पीएल अकाउंट में इधर सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं और इधर सारा इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं तो फिर वही हम लोग यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस देखेंगे तो अभी हम लोग बात किए थे ऑन सेल्स है ऑफिस सैलरी है रेंट एंड टैक्सेस है बैड डेट्स है डिस्काउंट अलाउड है स्कूटर रिपेयर्स है कमीशन है और इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन है तो ये सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये सारा इधर लिखेंगे अब हम लोग सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख लिए अब क्रेडिट साइड में देखते हैं इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन सा है तो देखो यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड है और ये कमीशन क्रेडिट साइड दिया यानी ये कमीशन भी रिसीव्ड है तो ये दोनों हम लोग क्रेडिट साइड में पीएल अकाउंट में इधर लिख देंगे उसके बाद टोटल करेंगे बैलेंस करेंगे जिधर ज़्यादा होगा इधर ज्यादा लग रहा तो इधर बैलेंस आएगा इधर ज्यादा लगेगा तो इधर बैलेंस आएगा तो इधर तो थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी हम लोग का हम लोग नेट प्रॉफिट हम लोग इसको लिखते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट फिर हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ श्री दामोदर प्रसाद एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी इधर लाइबिलिटीज लिखेंगे इधर एसेट्स लिखेंगे अभी हम आपको बोले ट्रायल बैलेंस में जितना भी आइटम एक जगह जरूर जाएगा या तो ट्रेडिंग या पीएल या बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएल बना ली है अब जो बच गया वो सब बैलेंस शीट में जाएगा तो देखो यहाँ से हम लोग ध्यान से देखें अगर तो हम लोग का कैश है ये एसेट्स है बैंक बैलेंस है ये भी एसेट्स है प्लान बिल्डिंग है एसेट्स है स्कूटर एसेट्स है बिल रिसिवेबल भी एसेट्स है और सन रिडेटस भी एसेट्स है तो ये सारा एसेट्स में जाएगा डेबिट वाला या तो एक्सपेंस होता है या एसेट्स होता है क्रेडिट वाला या तो इनकम होता है या लाइबिलिटी होता है तो लाइबिलिटी देखते हैं ये लाइबिलिटी है बिल्स पेएबल सन रिक्रेडिट डिट फॉर रेंट लोन फ्राम एक्स एंड कैपिटल तो ये सब लाइबिलिटी साइड जाएगा तो सारा एसेट्स वाला एसेट्स में लिख दो लाइबिलिटी वाला लाइबिलिटी में लिख दो तो देखो हम लोग सारा एसेट्स इधर लिख दिए सारा लाइबिलिटी इधर लिख दिए ध्यान रखना कैपिटल को अब बैलेंस हम लोग अंदर लिखेंगे और इसमें हम लोग ऐड करते हैं ये जो नेट प्रोफिट हम लोग का आया ये हम लोग कैपिटल में एड करेंगे और ड्राॅइंग्स जो आता है उसको माइनस करते हैं यहाँ देखो ड्राॅइंग्स दिया हुआ था ड्राॅइंग्स को माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट आया ऐड कर देंगे और नेट लॉस होगा अगर तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं अगर नेट लॉस इधर आया होता तो इसको यहां माइनस कर देते हैं। तो ये आ गया सेवेंटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी और जो ड्राइंग्स दिया वो इसमें से माइनस कर दीजिए तो ड्राइंग्स दिया सिक्स थाउजेंड तो ये हो गया सिक्सटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी अब ये सारा आइटम हम लोग लिख दिए ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम एक जगह जरूर जाएगा ये ध्यान रखना कुछ भी छूटना नहीं चाहिए या तो ट्रेडिंग या पी यल, या बैलेंस शीट डेबिट वाला या तो एक्सपेंस होता है या एसेट्स होता है क्रेडिट वाला या तो इनकम होता है या लाइबिलिटी होता है लेकिन यहाँ ध्यान देना हम लोग सब कुछ लिख लिए फिर भी ये एसेट साइड हम लोग का लाइबिलिटी साइड के बराबर नहीं आ रहा है क्यों क्योंकि यहाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक ना दो जगह जाता है यहाँ ट्रेडिंग में भी लिखते हैं और बैलेंस शीट में एसेट्स में भी लिखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा ये हम लोग इधर ट्रेडिंग में भी लिखेंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स में भी लिखेंगे ठीक है अभी हम आपको बोले ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम एक जगह जाता है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है इसलिए ये दो जगह जाता है देखो अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी के बराबर आएगा ये बैलेंस शीट मैच कर जाएगा ठीक है और फिर इसको पूरे लाइन से बंद कर देना इस ट्रेडिंग पीएल को भी पूरा लाइन देके बंद कर देना तो ये एक पूरा ट्रेडिंग पी और बैलेंस शीट का क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा हम मार्क करवा देते हैं यहाँ देखो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक सबसे ऊपर दिया है ये दो जगह जाएगा कहाँ कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट्स में फिर उसके बाद कैपिटल क्यापिट है ये लाइबिलिटी है हाउस होल्ड एक्सपेंस ये ड्राॅइंग्स होता है ड्राॅइंग्स जो है कैपिटल से माइनस करते हैं सेल्स ट्रेडिंग में जाता है रिटर्न इनवर्ड को सेल्स से माइनस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड को परचेज से माइनस करते हैं परचेज ट्रेडिंग में लिखते हैं कैश एट शॉप एसेट्स होता है बैंक ओवर ड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट पी में जाएगा क्रेडिटर लाइबिलिटी है स्टॉक एट द कमेंसमेंट मतलब ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग में जाएगा फ्रेट भी ट्रेडिंग में जाएगा रेंट एंड टैक्सेस पी में आएगा डेटर एसेट्स है कमीशन पी में जाएगा लेकिन यहाँ देखो कमीशन दोनों तरफ है डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है तो डेबिट वाला कमीशन डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट वाला कमीशन क्रेडिट में लिखेंगे दोनों पीएल में लिखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी हो या एसेट्स होता है सन्ड्री एक्सपेंस हम लोग का पीएल में आएगा सैलरीज एंड वेजेस है अब देखो यहाँ सैलरीज भी है वेजेस भी है तो जो पहले होगा वो माना जाएगा यहां सैलरीज पहले है तो ये पीएल में जाएगा अगर वेजेस पहले होता तो ये ट्रेडिंग में जाता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉइंग्स होता है ये कैपिटल से माइनस करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये पी में जाएगा मोटर व्हीकल एसेट्स है टाइपराइटर भी एसेट्स है इंटरेस्ट पी में जाएगा लेकिन ये देखो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड दिया है इसका मतलब ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो पी के क्रेडिट साइड जाएगा कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग में कैरेज आउटवर्ड्स पी में पावर ट्रेडिंग में ऑडिट फीस पी में और लाइटिंग भी पी में ठीक है तो हम इसको मार्क करवा दिए आप इसको जरूर से बना लीजिएगा